किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, ये जो मेरे नींबू के पेड़ हैं ये मैंने जून 2018 में लगाए थे और 2 वर्ष के हो चुके हैं। वैसे तो नींबू पर 3 साल से पहले फसल नहीं लेनी चाहिए, ये गुट्टी वाले पौधे हैं और मैं इनको 2 साल बाद निकाल दूंगा। इसलिए मैं इन पर ये एक्सपेरिमेंट कर आपको दिखाऊंगा कि हस्त बहार में फूल कैसे आते हैं और कैसे लेते हैं। किसान साथियों, मैंने जो पहली वीडियो आपको बताई थी, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 1 सितंबर से आप गुड़ाई करा दीजिए खेत में, वो दिखाई थी मैंने। उस गुड़ाई के बाद हर पेड़ की कैनोपी के अंदर उसे आपको थला बनाना है और 20 दिन बाद आपको, इसे कहते हैं हम ताव देना, और 20 दिन बाद आपको खाद की मात्रा देकर उसमें फ्लड से सिंचाई करनी है। अब इसमें कुछ समस्याएं हैं किसान साथियों। मेरे यहाँ भी 6 सितंबर को बारिश हो गई थी, तो उसके 4 दिन बाद मैंने फिर एक बार गुड़ाई कराई और तब से अब तक बारिश नहीं हुई है। आज तारीख हो गई 19 सितंबर, तो मैं 4 या 5 दिन बाद इनमें ताव ख़त्म करूँगा और खाद लगाकर पानी दूंगा। किसान साथियों, मैं आपको आज ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कितने वर्ष के पौधों में कितना खाद की मात्रा देनी है और किस प्रकार इसकी देखें। किसान साथियों, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह गुड़ाई कराई थी और ये थाला बनवा दिया इसमें। यहाँ तक मैंने पहले खुदाई कराई और खाद के लिए ये थाला बना दिया। इसको और मेरे जो कार्यकर्ता हैं इसको और साफ़ कर देंगे और इसमें खाद डालेंगे। खाद डालकर हम ये मिट्टी ऊपर कर देंगे इसके, और मिट्टी ऊपर करने के बाद हम इसमें फ्लड से सिंचाई करेंगे। किसान साथियों, मेरे इस खेत में बहुत घास नहीं है, क्योंकि मैं जो उसका ब्रश कटर है उससे सफाई करवा कर और पौधों के आसपास ही सफाई करता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और पौधे। मैंने इसमें भी थाला बनाया है और मैंने गुड़ाई यहाँ तक कराई है। आप लोगों से मैं एक बात फिर कहूँगा कि जो भी टहनी हो, आपको काटनी हो या नीचे से साफ़ करना हो, उसको काट दीजिए इस टाइम। और काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम COC कहते हैं, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर एक बार छिड़काव अवश्य करें। तो इस समय आपको थाले बनाने हैं, और थाले बनाकर जिन भाइयों के 1 सितंबर से उन्होंने ताव शुरू किया था, वो अब इस ताव को ख़त्म कर सकते हैं कल से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या खाद पानी देना है। आप भी 2 वर्ष का पौधा है और ये थाई लेमन है, और ये एक मेरे किसान मित्र को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे 50 पौधों का ऑर्डर दिया और मैंने गुट्टी से पौधे तैयार करवा रहा हूँ। देखिए, अभी एक गुट्टी बची हुई है, ये है गुट्टी, ये गुट्टी है और इसमें पूरी जड़ें आई हुई है। ये देखिए, जड़ें आई हुई हैं। लेमन में हम गुट्टी बना सकते हैं, लेकिन नींबू के पौधों में गुट्टी नहीं बनानी चाहिए, और मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। किसान साथियों, इसमें भी मैंने थाला बनवा दिया है और इसमें भी मैं फसल लूँगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से आपको खाद देना। साथियों, जो मैं खाद की मात्रा बता रहा हूँ वो 5 वर्ष के पौधे के लिए है। अगर आपका पौधा 5 वर्ष से छोटा है तो इस मात्रा को आप आधी कर दें, यानी 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है तो आप इसे आधी कर दें। तो 5 वर्ष के पौधे में कम से कम 25 किलो कंपोस्ट खाद, यानी कि घर पर अच्छा सड़ा हुआ, 1 साल पुराना अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद आपको डालना है। प्रति थाले में डालिए, उस थाले प्रति पौधा 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपरफास्फेट यानी SSP, 250 ग्राम पोटास, 430 ग्राम DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, 25 ग्राम बोरोन और 25 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है। इन सबको आप एक साथ मिला लें और प्रति पौधे में दें। यह मात्रा, तो जितने पौधे हैं ये एक पौधे की मात्रा बनाई, इसको उतने पौधे से गुना कर सबको मिला लीजिए और आप फिर इसमें थाले में दीजिए। जब आप थाले में ये देंगे तो इसे डालकर अच्छी तरह फिर उसके ऊपर मिट्टी कर दीजिए, और मिट्टी करने के बाद आप इसमें फ्लड से पानी दीजिए।
जिस दिन मैं पानी दूंगा उस दिन मैं आपकी एक वीडियो और दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रकार पानी दिया। किसान साथियों, इस पर कई सवाल पूछे जाएंगे, कहेंगे मेरे पास गोबर का खाद नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा आप 1/3 कम कर सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या सिटी कंपोस्ट ले लीजिए, लेकिन कम से कम इनको 15 kg जरूर रखना आप प्रति पौधे के हिसाब से। अगर पौधा छोटा है तो 10 kg भी रख सकते हैं, उसी प्रकार आप मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें फ्लड से पानी देंगे, यानी नाली से, ड्रिप से नहीं देना, जार से ही नाली से पानी देंगे, उस पानी देने के 5 दिन बाद फिर दूसरा पानी देना है, और उसके 5 दिन बाद फिर दूसरा तीसरा पानी देना है, तो आपको 15 दिन के अंतराल में 3 पानी देने हैं और उसके बाद छोड़ दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपके पौधों में फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। ये होती है हस्तबहार। अब आइए मैं आपको एक समस्या और बताता हूँ। किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों ने मुझे लिखा कि मेरे पौधे पर नींबू आ रहे हैं। आप देखिए मेरे इस पर भी कुछ नींबू हैं, इस पौधे पर नींबू हैं कुछ, अभी ये देखिए ये नींबू है। नींबू अगर हैं आपके पौधे पर, कई पौधे ऐसे जिन पर बहुत मात्रा में नींबू है, तो रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ये काम करिए और बाकी के काम हम फिर बताएंगे। किसान साथियों, ये तो हुआ हमारा हस्तबहार की बात। आइए अब मैं दिखाता हूँ ये कुछ पौधे जो मैंने CCRI से मंगाए थे, और ये पौधे जो है NRCC 8 का है ये पौधा। इस पौधे को आप देखिए, अगर आप लोगों ने भी पौधे लगाए हैं जुलाई से अब तक, मैंने ये शायद अगस्त के पहले हफ्ते में या जुलाई के अंतिम सप्ताह में लगाए थे, मेरे को एग्जैक्ट इसकी तारीख याद नहीं है। मैंने इसको क्या किया कि कुछ दिन पहले इसकी ये कटिंग कर दी है, देखिए यहाँ से ये कटिंग करी, ये कटिंग करी, ये कटिंग करी, ये करी, यानी कि मैंने लगभग 1 फिट तक इसमें जो भी शाखाएँ निकल रही थी वो हटा दी। जब शाखाएँ हटा दी तो इसमें ऊपर को बढ़ोतरी शुरू हो गई, और देखिए ये एक, ये देखिए इसमें इस तरह से मोल शुरू हो गई। आइए मैं कुछ और पौधे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब आप कटिंग करते हैं तो नीचे फिर से कुछ इस प्रकार के कल्ले से निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको आप हाथ से हटा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो बहुत मोटा ना हो, आप या तो कटर का इस्तेमाल करिए, और बहुत बारीक हो तो उसको हाथ से हटा दीजिए। किसान साथियों, ये जो है ना घाव के प्रति बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, जो नींबू का पौधा होता है, और यहीं से कैंकर की शुरुआत होती है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। मैं कुछ और पौधों में दिखाऊंगा कि आपको क्या देखें। किसान साथियों, ये देखिए इस पौधे पर भी नींबू आए हुए हैं, देखिए ये नींबू अब पकने वाले हैं, ये नींबू हो रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही कलकत्ता वैरायटी का पौधा है, ये देखिए, ये देखिए कितने नींबू हैं इस पर, ये इस 2 वर्ष का भी देखिए, ये लगभग 1.5 माह का पौधा है, और देखिए कितना अच्छा चल रहा है। मैंने कोई विशेष खाद नहीं डाला, लेकिन मैं जो 5 किलो DAP, 5 किलो पोटास और 5 किलो सरसों की खली वेस्ट डिकम्पोजर में, और 10 से 15 किलो गोबर डालकर जो बनाता हूँ, प्रति माह इसके चारों ओर देता हूँ, और इसमें एक बार मैंने जैसा बताया था 20 ग्राम DAP और 20 ग्राम पोटास इसके चारों ओर दिलाया था और पानी दिया था। नींबू के पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी न दें। और ये ध्यान रखें कि आप मेरा ये पौधा देखिए कि मैंने जड़ों के पास किस तरह से बनाया हुआ है, जो पानी है वो आपकी तने को नहीं छूना चाहिए। अगर पानी तने को नहीं छुएगा तो समझ लिए कि आपने आधी जंग जीत ली है, और इसमें कोई भी जड़ गलन नहीं। ये कुंभकाट वैरायटी का पौधा है, और इसमें अब सर्दियों के ये जो नींबू हैं ये आए हुए हैं, अभी टूटेंगे, और देखिए फ्लावरिंग भी आई हुई है, ये सर्दियों में ही फल आते हैं इस पर। और ये देखिए पूरी लाइन मैंने लगाई है CCRs की, इसमें बालाजी है, इसमें फूले सरबती है, और इसमें साई सरबती है, इसमें 3 वैरायटी हैं इस लाइन में। आप इस पौधे को भी ध्यान से देखिए कि मैंने इसमें जैसे ये नीचे निकल रही है, ये शाखा निकल रही है, तो आप इसको हटा दीजिए, या मैं अपने उसे कार्यकर्ता को कहूँगा कि यहाँ से इसको काट दे। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये शाखा मैंने हटा दी थी, ये काट दी थी, लेकिन शाखा काटते वक्त ये ध्यान रखिए कि थोड़ी दूर से काटें। अगर इसे बिल्कुल जड़ से काट देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है, और अब पौधा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर चलेगा।
आइए कुछ और दिखाता हूँ। किसान साथियों, इस पौधे को देखिए, इस पौधे में बहुत सी ये कल्ले निकल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप 3 दिन में बाग में जाए। ये देखिए, ये मैं हटा दूँगा, इसको हटा दूँगा। अब ये मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। अब मैं इसकी बढ़वार के लिए यहाँ से जितने भी ये छोड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा पौधा बढ़ेगा, उसको अच्छी पत्तियाँ भी चाहिए भोजन के लिए, लेकिन नीचे से मैंने साफ़ कर दिया तो ये तेज़ी से ऊपर को बढ़ेगा और फैलाव होगा। ये देखिए, मैंने सभी पौधों में इस तरह से कार्य किए हुए हैं और आप देखें कितनी अच्छी फुटान हो रही है इनमें। इनमें थोड़ा सा ये लीफ माइनर आ गया था तो मैंने इमिडा क्लोरोपीड का स्प्रे करा दिया और अब देखें कितनी शानदार पत्तियाँ हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, इधर आ जा। किसान साथियों, ये भी मेरा कुंभकाट का पौधा है और मेरे खेत पर जब किसान आते हैं तो इसको बहुत मांगते हैं, लेकिन मैं इसके पौधे नहीं बेचता। पर मैंने कुछ गुट्टी तैयार कराई हैं कि जो घर में लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा पौधा है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, आप लगाइए, मैं तो सिर्फ अपना सुझाव दे सकता हूँ। किसान साथियों, ये था हमारा हस्त बहार 2020 में आप कैसे तैयारी करेंगे और इसका दूसरा भाग। अब मैंने बता दिया है, अगर आपके यहाँ बारिश हो गई उसके 20 दिन बाद आप ताव लगाइए और यही कार्य कीजिए, और अगर थोड़ा देर हो गया तो हमारी वेबसाइट पर प्रतिकूल मौसम में हस्त बहार कैसे लें उसका पूरा विवरण है, और जहाँ पर बारिश अभी हो गई उसके लिए मैं एक बार एक वीडियो और बनाऊंगा। किसान साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। एक और विनती है किसान साथियों, मुझे कॉल करने के बजाय मेरे व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल रखें। अगर मुझे आवश्यकता हुई मैं आपसे बात करूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अधूरी जानकारी के अभाव में मैं उत्तर नहीं देता हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।